सूरह अनफाल की मैंने 24 नंबर की आयत तिलावत की, 25 नंबर की आयत तिलावत की, दो आयतें बड़ी प्यारी आयतें। हमने जिस जिंदगी को एक जिंदगी समझ रखा है, रब यहां कहता है कि तुम्हारे लिए दो जिंदगियां हैं, दो अलग अलग, एक तुम्हारी अपनी मनमानी जिंदगी, एक रसूल अपनी जिंदगी में से तुम्हें जिंदगी देते हैं, रसूल अपनी जिंदगी का तरीका सिखला के तुम्हें जिंदगी देते हैं। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तजीबू लिल्लाह, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो अल्लाह और इसके रसूल की बात को मान लिया करो। देखिए अजाबा का मतलब है जवाब दे देना, अजाबा का मतलब है किसी चीज को मान लेना, इस्तेजाबा का मतलब क्या है, उसरो इताअत खम कर लेना, अपने आप को झुका देना। फरमाया कि इस्तजीबू, जब वो बुलाते हैं, वो कहते हैं, वो बताते हैं, तो अपनी जिंदगी को उनके मुताबिक कहने पर मान लिया करो। क्यों, लिल्लाहि वलिर्रसूल इदा दआकुम लिमा युहयीकुम, जब भी रसूल तुम्हें बुलाते हैं वो हयात बख्श जिंदगी देने के लिए बुलाते हैं। लिमा, देखिए एक चीज हम सबको मालूम है, वो है जिंदगी को अरबी में हयात बोलते हैं। हम भी क्या है, हमारी हयात खत्म हो गई भाई, हम बूढ़े हो गए भाई, हयात अरबी का भी लफ्ज है, उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो हयात का मतलब है जिंदगी। तो रब ने कहा कि रसूल तुम्हें जब बुलाते हैं किसके लिए बुलाते हैं, जिंदगी के लिए बुलाते हैं। फिर कौन सी जिंदगी है, एक जिंदगी तुम्हारी मनमानी जिंदगी है, एक जिंदगी वो है जो रसूल तुम्हें बुला के देते हैं। तो रब कहता है कि रसूल जब तुम्हें बुलाए तो याद रखो उस रसूल के बुलावे पर तुम लब्बैक कहो, उस जिंदगी को इख्तियार कर लो। क्यों, असल में यही जिंदगी जिंदगी है जिसमें अल्लाह और इसके रसूल की इताअत होती है, अल्लाह और इसके रसूल की इताअत के बगैर जिंदगी जिंदगी ही नहीं है। इसीलिए फरमाया कि इदा दआकुम लिमा युहयीकुम, जब वो तुम्हें बुलाते हैं तो तुम्हारे लिए जिंदगी देने के लिए बुलाते हैं, नफा बख्श चीजों की तरफ बुलाते हैं।